हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है। प्रेशर मतलब दबाव, ग्रुप मतलब समूह, दबाव समूह क्या होता है। तो प्रेशर ग्रुप को जानने से पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू आपका घर का एग्जांपल दे देते हैं, जिससे आपको प्रेशर ग्रुप समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग डेमोक्रेसी पढ़े थे, लोकतंत्र पढ़े थे, पार्लियामेंट सिस्टम पढ़े थे। आज हम बात कर रहे हैं प्रेशर ग्रुप पे, जिसको हिंदी में दबाव समूह कहते हैं। तो आइए पहले आपके घर से एग्जांपल से शुरू करते हैं, फिर उसके कंपोनेंट फीचर, फिर उसका स्कोप क्या होता है, फिर उसके बाद उसके मतलब कितने टाइप होते हैं, ये सामानों पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ प्रेशर ग्रुप उनके टाइप इफेक्ट पढ़ना है। आइए एग्जांपल लेते हैं आपके घर से। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे हैं, ठीक है, तो आप बच्चे हैं तो आप सोचते होंगे कि आप दोस्त बनाए होंगे, तो जब दोस्त बनाए होंगे तो आप सोचते होंगे कभी घूमने जाए, तो घूमने जाएंगे तो क्या होगा, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, गाड़ी में तेल डालना आना है, हीरो बनना है। उसके चक्कर में क्या करेंगे कि मम्मी से कहेंगे मम्मी पैसा दे दो, लेकिन पापा हर घर के सख्त होते हैं, तो सख्त होते हैं पापा, तो क्या होता है, तो मम्मी क्या करती है, लड़का रोने लगता है, और कितना भी है तो लड़के जो होते हैं माँ के लाडले होते हैं, तो मम्मी क्या करती है अपने अपने पति को करती है कि आप एक काम करिए, प्रेशर डाल दिए अपने पति पे कि मेरे बच्चों को पैसा दे दे। पापा चिल्लाएंगे, कहेंगे मैं नहीं दूंगा, आप ही बिगाड़िए अपने बच्चों को। लेकिन क्या होता है, मम्मी कहती है कि आपको जीने नहीं दूंगी, चाय नहीं दूंगी, तो प्रेशर पापा पे पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर पापा पड़ा, एक समय आकर मम्मी के सामने पापा हार जाते हैं, लड़कों को पैसा मिल जाता है, लड़का घूमने चला जाता है। तो हमारे घर में भी कोई ना कोई प्रेशर डालता रहता है, जैसे दादी पापा पे डालती है, मम्मी भी कभी कभी पापा डाल देती है, तो प्रेशर ग्रुप में आते हैं। जो पैसा आपके घर में कमाता है वो गवर्नमेंट के रूप में आता है, तो ये बेसिकली प्रेशर ग्रुप होता है। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे प्रेशर ग्रुप क्या होता है। तो हर एक घर में कोई ना कोई प्रेशर डालता रहता है। जैसे आपके घर में आपका बड़ा भाई होगा तो कहता होगा बेटा पढ़ ले, पढ़ने के लिए प्रेशर डालता होगा, तो भी एक प्रेशर है, ग्रुप है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे प्रेशर ग्रुप क्या होता है, इंडियन पॉलिटिक्स में प्रेशर ग्रुप क्या होता है, जिसको दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, मतलब ये राइज कैसे होता है, ये राइज कैसे होता है प्रेशर ग्रुप, ध्यान दीजिएगा आप मेरे दोस्तों। यहाँ पे दो लोग हैं, पहला है हम लोग, मतलब हम लोग मान लेते हैं कि अस अस पीपुल, ठीक है, दूसरा है लीडर, लीडर मतलब नेता, नेता ले लेते हैं। ठीक है, ये नेता इलेक्शन जब आता है ये लोग आपके पास आते हैं, कौन आता है, लीडर आते हैं, नेता जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो आते कहते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, आपका इंटरेस्ट जो है, आप जो चाहते हैं नाली बनवाना, आप जो चाहते हैं मैं उस चीज को बनने के बाद प्रोवाइड करूंगा, उसको बनाऊंगा, आपके सपने को पूरा करूंगा। तो इसका मानना है रोड बनाना, ये कहता है कि ये पीपुल जो है समूह है कहता है रोड बना दीजिएगा, नाली, फिर उसके बाद नाली बना दीजिएगा, कैनाल, तो उसके बाद इसको वोट दे देते हैं इस लीडर को, तो ये लीडर जीत जाता है। ठीक है, अब ये लीडर जीत जाता है तो क्या होता है, लीडर जीतने के बाद लोग मैक्सिमम जो होते हैं, लीडर जीतने के बाद क्या करते हैं, अपन भूल जाते हैं कि वो प्रॉमिस क्या किए थे, यहाँ पे रोड बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए प्रॉमिस तो कर दिया लीडर हम लोग से, मतलब पीपुल से, लेकिन अब जीतने के बाद बेटा पैसा मिला, पावर मिला, बॉडीगार्ड मिले, आराम से चलो यार अमेरिका घूम के आओ, जहाज का टिकट फ्री है, और उसके बाद क्या आता है, तो ये गुस्सा होते हैं, ये गुस्सा होने लगते हैं, जो पीपुल है ये प्रॉमिस जब ये नहीं पूरा करता है पावर में आके, ये गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि कहता है कि हम बनते हैं आपका प्रॉमिस पूरा करेंगे, ये बेटा ऐश करने लगते हैं। आप खुद अपने अगल बगल के एमपी को देखिएगा, पहले साइकिल पे चलते थे, फॉर्चूनर पे चल रहे हैं। तो क्या होता है, ये क्या करते हैं कि ये अब एक ग्रुप बनाने लगते हैं। मान लीजिए ग्रुप कई बन सकते हैं, मान लीजिए बिजनेस ग्रुप से कोई एक प्रेशर कहा था कि हम टैक्स घटा देंगे, सब्सिडी आप लोग को देंगे, तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो बिजनेस ग्रुप को टैक्स नहीं घटा है, तो बिजनेस ग्रुप एक बार बिजनेस के जितने बिजनेस करते हैं वही एक अपना ग्रुप बना लिए। ठीक है, उसी तरह मान लो किसान है, उनको बोला था कि आपको लीडर वोटिंग पाने के लिए बोल दिया था कि आपको हम क्या करेंगे, आपका बिल माफ कर, लोन माफ कर देंगे, तो ये भी एक ग्रुप बना दिए। किसान एक संगठन बना गया जिसको किसान यूनियन बोल सकते हो। अब ये दोनों क्या करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, प्रेशर डालेंगे कि आप जो हमको प्रॉमिस किए थे उसको पूरा करिए, या गवर्नमेंट कोई चीज गलत कर रही है तो उसको रोकने के लिए प्रेशर डालेंगे। तो ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसी तरह प्रेशर ग्रुप का
एराइज होता है, गठन होता है प्रेशर ग्रुप, गवर्नमेंट जो वादा करती है नहीं पूरा कर पाती है, तो एराइज होता है प्रेशर ग्रुप का फॉर्म होता है, हम लोग उसमें से हम भी लोग जो है प्रेशर ग्रुप बन सकते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, कैसे एराइज होता है। तो अब एक चीज और जानिएगा, हमारे डेमोक्रेसी कंट्री में फ्री स्पीच और अपनी बातों को रखने का अधिकार है। तो ये जो नेता बनते हैं ये हमारे अंदर होते हैं, हम इनको चूज करते हैं, सारा पावर जो है हम उन नेता को देते हैं कि जाओ बेटा तुम राज करो। राज करो मतलब नहीं, हमारे उसे प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप जाओ और दूसरे आप वहां से हमारे लिए काम करो। ठीक है, लेकिन भाई भूल जाते होंगे, आप भी जानते हो कि चक्कर में पड़े जाते हैं, उम्र होता है उस समय, पावर आता है हाथ में नए नए घूमने का। तो इसी तरह तो डेमोक्रेसी कंट्री में सबको अधिकार होता है कि गवर्नमेंट से पूछिए कि आप जो वादा किए हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। सबको अधिकार होता है कि फ्री स्पीच करे, अपनी बातों को शांतिपूर्वक से सबके सामने पेश करें। तो इसी ऐसे प्रेशर ग्रुप को ऑर्गेनाइज होता है, ऐसे यही प्रेशर ग्रुप होता है। तो आइए हम थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक ढंग से समझते हैं प्रेशर ग्रुप क्या होता है। तो हम अब यहाँ तक तो हम मान के चलते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पैदा हो गया होगा प्रेशर ग्रुप क्या होता है। आप दादी भी एक प्रेशर ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप आपकी दादी भी है। तो अब आइए जानते हैं प्रेशर ग्रुप क्या होता है। तो पहले आइए डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए, प्रेशर ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एक्टिविटी फॉर द प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। तो क्या है यहां, क्या समझे यहां पे हम समझाए ना कि क्या यहां पे इंटरेस्ट है। ये क्या लीडर जो है यहां पे आया है, जो वो हम पीपल से कहा था कि आपका इंटरेस्ट को हम पूरा करेंगे, ये लीडर का आपके इंटरेस्ट को हम आपके प्रतिनिधि बन के पूरा करेंगे। लेकिन जब ये प्रॉमिस नहीं पूरा करता है तो ये क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल बन जाते हैं। मान लो कि अपना एक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि अब धरना प्रदर्शन करेंगे, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे कि अपना पॉलिसी अपना बातों को मनाएंगे। इसी को प्रेशर ग्रुप कहते हैं बेसिकली, जो गवर्नमेंट को अपना बात को मनाने के लिए कहते हैं। इसीलिए इसको डिफिनेशन में क्या कहते हैं, इज ए ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर ऑर्गेनाइज एक्टिविटी एक्टिवली फॉर द प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि क्या होता है प्रेशर ग्रुप। आप अब हम बात करेंगे कि डिफिनेशन आप समझ गए होंगे। तो प्रेशर ग्रुप के जैसे आपकी आपके बॉडी के भी फीचर है ना, आपके कि आप सांस लेते हैं या आपके बॉडी के फीचर है, तो उसी तरह प्रेशर ग्रुप की भी अपनी बहुत सारे फीचर होते हैं, आइए जान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फीचर प्रेशर ग्रुप का। फीचर इसका जो होता है प्रेशर ग्रुप का, ये चार हो सकते हैं, लोकल रीजनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल। ठीक है, तो आप बताओ आपके लोकल में कौन होते हैं। अगर आप गांव में रहते होंगे तो प्रधान होता होगा। ठीक है, हम दो का एग्जांपल ही चलते हैं। अब शहर में रहते होंगे तो पार्षद होता होगा, मेयर होता होगा जो एक पंचायती राज सिस्टम में आता है, ये म्यूनसिपैलिटी में आता है, नगर निगम में। तो ये टाउन की बात कर रहा है और ये विलेज की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा ए बी। अब क्या होगा, गांव में आप हैं तो आप कोई आया आपसे प्रधान लड़का आया 21 साल से ऊपर का है, उसने कहा कि मुझे वोट दो मैं आपके रोड बनवा दूंगा। वो बन गया आपका रोड नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे भी आप लोग पूरे गांव में जो उसको वोट दिया है उसको उसका विरोध करने के लिए खड़ा हो गया, एकजुट उसका विरोध करेगा तो गांव में भी प्रेशर ग्रुप पैदा हो जाएगा। तो इसको लोकल लेवल पे जो कोई गांव में प्रेशर ग्रुप क्रिएट होता है, या शहर में जो लोग लोकल होते हैं मेयर और चूज करते हो नहीं है, उनका पॉलिसी मानता है तो उसको पॉलिसी उस मनाने के लिए प्रेशर लोग एकजुट होते हैं और उस पर दबाव डालते हैं कि जो आप गलत कर रहे हो या जो आप प्रॉमिस किए तो उसको पूरा करो। ठीक है, तो यहाँ गाँव में भी और शहर में लोकल लेवल पे भी प्रेशर ग्रुप फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप लोग बेसिकली समझ गए। उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी मान लो हम लोग के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तो योगी जी ने प्रॉमिस कर दिया कि सबको टैबलेट देंगे। अब टैबलेट नहीं दिया तो आप प्रेशर, आप सारे स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट, इसलिए हम लोग प्रेस गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप प्रॉमिस किए थे कि हम लोग बीए में जो लड़के हैं उसको क्या करेंगे, टैबलेट देंगे, नहीं दिए आप। तो आप एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पेपर में छपवा सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। इसी को आप जो करेंगे ना ग्रुप बना, इसी को प्रेशर ग्रुप कहते हैं। स्टेट लेवल पे भी होता है।
ठीक है, दो प्रकार दो लेवल पे होता है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। मान लीजिए कि हम आप कोई लीडर है, ये पूरे देश को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, पीएम के रूप में उन्हें बहुत सारे प्रॉमिस कर दिए, करूंगा नहीं कर यार, तो आप पूरे देश के लोग बहुत चार पांच भागों बढ़ जाएंगे। कोई बिजनेस ग्रुप उससे नाराज होगा तो बिजनेस ग्रुप फॉर्म कर, बिजनेस प्रेशर ग्रुप फॉर्म कर देगा। किसान नाराज होंगे तो किसान यूनियन फॉर्म कर देंगे। तो एक एग्जांपल में नेशनल वाला समझ जाते हैं, आइए नेशनल इसका फीचर क्या होता है। तो देखिए अभी फार्मर बिल आया था पीएम नरेंद्र मोदी पीएम के नेतृत्व में, तो क्या हुआ, फार्मर बिल अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके हिसाब से जो किसान थे उनको नहीं आया। तो क्या हुआ, इस फार्मर बिल में क्या हुआ, वो पार्टिसिपेट किए जिनको प्रॉब्लम हो रहा है। बिजनेसमैन को तो प्रॉब्लम था नहीं, प्रॉब्लम तो था नहीं, तो वो तो खेती नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक किसको प्रॉब्लम था, जो किसान थे। तो किसान ने क्या किया, पंजाब हरियाणा उड़ाना के मिल के एक ग्रुप फॉर्म कर दिया जिसको किसान यूनियन करते नहीं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया ग्रुप। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे कि इस बिल को वापस करो वापस करो। लास्ट में गवर्नमेंट को बिल वापस ही करने लगी। तो एक जो किसान प्रेशर ग्रुप है ना, वो पॉलिटिशियन थे, वो तो सिर्फ अपनी ग्रुप बना लिए थे अपने इंटरेस्ट को मनाने के लिए कि चलो प्रेशर डाले थे कि आप बिल वापस करो। ये भी प्रेशर ग्रुप है, तो नेशनल लेवल पे आप समझ गए होंगे कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है। उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे बहुत थोड़ा सा समझने वाली बात है। आप सोचेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन गवर्नमेंट होती है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है जिसको आप लोग अगर ट्वेल्थ में पढ़े होंगे तो आप समझे होंगे, यूनाइटेड नेशन होता है, यूनाइटेड नेशन होता है। इसमें बहुत इसके 6 कंपोनेंट होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल काउंसिल। तो इसमें जो यूनाइटेड नेशन है, अगर दो देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उसके लोग परेशान हैं, तो वो भी यूनाइटेड नेशन में जाके अपील कर सकते हैं कि मुझे शांति चाहिए, हमारे लीडर अच्छे नहीं है। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है, तो यूनाइटेड नेशन जो है इंटरनेशनल में इसका आता है एक कोर्ट, इसका एक कोर्ट भी होता है। जब सुप्रीम कोर्ट कोई केस नहीं सॉल्व कर पाता तो यूनाइटेड नेशन में जाता है, दो देश का मामला आ जाता है, लड़ाई एक दूसरे से करने लगते, तो यूनाइटेड नेशन में मामला को सॉल्व किया जाता है, तो उसको इंटरनेशनल। तो जो भी लोग स्ट्राइक करते हैं यूनाइटेड नेशन पे प्रेशर डालते हैं कि अपनी बात को मनवाते हैं, उसको हम इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं। तो इसके फीचर क्या होते हैं, ये चार टाइप के होते हैं, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, पहली बात ही जो प्रेशर बनता है, जब फार्मर जो बनाए थे, आप लोग सोचे होंगे जो फार्मर बनाए थे बिल, जो फार्मर बिल बनाए थे, फार्मर जो ऑर्गेनाइज किए थे फार्मर बिल वापस करने के लिए, वो उनको कोई प्रॉफिट थोड़े था, जो पहले से चलता आ रहा था, जो पहले से वो चलता आ रहा था सिस्टम, उसी को चाहते थे, वो पहले से जितना था। तो ये पहली बात, तो ये जो ग्रुप होती है प्रेशर ग्रुप, वो कोई प्रॉफिट के बेस पे नहीं होती है। ठीक है, ना कोई इसको कोई मोटिवेट करता है कि जाओ बेटा तुम प्रेशर ग्रुप में शामिल हो जाओ, आप परेशान होंगे, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, तो आप जाके खुद खड़ा होंगे, प्रेशर गवर्नमेंट की क्रिएट करेंगे, मेरी बात मानो, ये डेमोक्रेसी में आपको राइट मिलता है। तो क्या हुआ कि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब किसी को जान बुझ के नहीं कि आप जाओ ढकेल दो, ऐसा नहीं होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रेशर ग्रुप में होता है, कोई भी इसमें कोई भी मेंबर प्रेशर में आते हैं, उनको प्रॉफिट नहीं मिलती है, मतलब किसी को जान बुझ के नहीं, अपने मन से जो जाता है प्रेशर ग्रुप में उसी लिए होता है। तो नॉन प्रॉफिट ही होता है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका तीसरा फीचर होता है, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालता है, तो आप सब अभी समझ ही गए होंगे कैसे डालता है। अब एक पहली बात, इसे जो प्रेशर ग्रुप होते हैं कोई पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ना इलेक्शन लड़ते हैं। तो आप लोग बेसिकली फीचर समझ गए होंगे, तो हम आशा करते हैं आप लोग फीचर समझ गए होंगे। तो कैसे कभी कभी ये भी बात आ जाती है कि लोग जो है अब समझते हैं प्रेशर स्ट्राइक ग्रुप क्या होता है और क्या नाम है प्रोटेस्टेड ग्रुप क्या होता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी पेपर में आ जाता है प्रोटेस्टेड ग्रुप क्या होता है, प्रेशर ग्रुप पढ़े हो तो यही होता है। प्रेशर ग्रुप को कई नामों से जाना जाता है, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है, जो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं। अभी हम लोग डिफिनेशन में जाने, अपने इंटरेस्ट के लिए फार्मर जो है उनके खिलाफ कुछ हो रहा है तो अपने हित के लिए वो चले गए गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने, इंटरेस्ट ग्रुप के भी नाम से जाना जाता है, लॉबिंग ग्रुप से भी जाना जाता है, प्रोटेस्ट ग्रुप के नाम से गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेशर डाला तो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है तो उसको प्रोटेस्टिंग कहेंगे, तो प्रोटेस्ट ग्रुप से भी जाना जाता है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये डिफिकल्ट है, आप सिविल सोसाइटी को मैं थोड़ा बताता हूँ आपको समझने में। सिविल मतलब नागरिक, सोसाइटी मतलब समाज, जो भी समाज में नागरिक रहते हैं, जो पद पे बने नहीं होंगे, गवर्नमेंट नहीं है, जो
वो सिविल सोसाइटी में आते हैं, तो हम भी उस सिविल सोसाइटी में आते हैं, नागरिक हैं, तो वो क्या करते हैं जब गवर्नमेंट से दुखी होते हैं, हम लोग जो हैं दुखी होते हैं, तो हम लोग प्रेशर बनाते थे इसी को, इसको इसीलिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि कभी ये पूछे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है तो बोल दीजिएगा प्रेशर ग्रुप होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, फ्यूचर में आप लिख लेंगे, ठीक है, आप हम आशा करते हैं हम समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि स्कोप क्या होता है, स्कोप यही होता है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करता है अपनी बात को मन, अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए, ठीक है। और पहली बात इसका स्कोप होता है कि किसी भी पावर को पाने के लिए या किसी पॉलिटिक्स पार्टी का मेंबर बनने के लिए ये नहीं करता है, ठीक है, और इसका अपना कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, यही इसका स्कोप हो गया, ठीक है। दूसरा बात है कि अब मैं बात करता हूं कि प्रेशर ग्रुप कैसे मतलब अपनी बातों को गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस करते हैं, सरकार को अपनी बातों को प्रभावित करते हैं, आइए जानते हैं। तो इसके चार रीजन है, पहली बात तो हाउ इन्फ्लुएंस द प्रेशर ग्रुप ऑन द गवर्नमेंट, तो चार रीजन है, एक लॉबिंग है, ठीक है, क्या होता है लॉबिंग, ये होता है कि वो सब सेमिनार वेमिनार का जो मान लीजिए कि यूनियन है फार्मर यूनियन, हम फार्मर यूनियन की बात करते हैं क्योंकि हाल ही में ये चर्चा के विषय रहा है, ठीक है, तो ये फार्मर यूनियन है, ये क्या करते हैं कि डीएम से, मान लो कि डीएम भी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक गवर्नमेंट का काम कर रहा है, तो डीएम से मिलते हैं और डीएम से मिलते हैं डायरेक्टली मिलते हैं, ये डायरेक्टली मेथड है गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए, मिलते हैं सेमिनार बुलाते हैं डीएम को और बताते हैं, सेमिनार में वो मैक पे बोलेंगे कि ये कमियां इसको दूर किया जाए, डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, डीएम सुनता है, अधिकारी गवर्नमेंट सुनती है और उस पर करे या ना करे, नहीं करती है तो अभी बताएंगे, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं करेगी, वो प्रेम से सेमिनार के थ्रू समझा रहे नहीं, अगर गवर्नमेंट प्रेम से समझती है तो उनके पास और चीज है, स्ट्राइक वायलेशन फिलोसफी अपना लेते हैं, मतलब स्ट्राइक करने लगेंगे, गाड़ी फूकने लगेंगे, ये बहुत खराब इन लोगों का फीचर होता है जिससे लाखों लोगों का नुकसान होता है। तो ये अगर लॉबिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे तो गवर्नमेंट ने इनकी बात मानी, सेमिनार में बुलाया, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश की, तो क्या करेंगे स्ट्राइक करने लगेंगे। तो ये एक पहला पॉलिसी कैसे प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट को क्रिएट करते हैं। दूसरा क्या होता है प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा होता है वो प्रचार करते हैं अपने न्यूज के चैनल के थ्रू प्रचार करते हैं गवर्नमेंट तक, ये जो है डायरेक्टली मेथड है गवर्नमेंट के साथ बैठ के अपने सेमिनार में बातों कर, प्रोपेगेंडा जो है इनडायरेक्टली मेथड है, कैसे आप न्यूज़पेपर के थ्रू भेज दिए, उसके द्वारा प्रचार के थ्रू भेज दिए, ये होता है। सोशल मीडिया आप जान ही रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया आप लोगों के लिए न्यूज तो है नहीं, न्यू है ही नहीं, तो पहली बार यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, अब क्या करेंगे, अभी एक हाल में चर्चा चल रहा विकास द्विवेदी सर का जो दृष्टि आईएएस की फाउंडेशन फाउंडर है, तो वो क्या होते हैं, उन्होंने सीता जी पे कमेंट कर दिया था कि राम जब सीता जी आते हैं तो राम जी कहते हैं कि उन्होंने कह दिया था विकास द्विवेदी सर जी ने कि उन्होंने कि सीता जी जब वन से आती हैं तो सीता जी को राम जी कहते हैं कि मैं आपको अपनाऊंगा नहीं और मैं आपको रावण से इसलिए छुड़ाया क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म बनता है कि आपका रक्षा करूं, लेकिन जैसे जो मान लीजिए वो बोले ना कि जैसे कुत्तों से चटा हुआ कुछ ऐसे ही था कि जो कुत्तों से चटा हुआ जो घी है नहीं हम लोग खाते, उसी तरह किसी और के घर के रह कर कोई औरत आई हो तो नहीं अपनाते हैं, ये विकास द्विवेदी सर स्टेटमेंट बोल दिए थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको सॉरी भी बोला जनता में लोगों को, और फिर उन्होंने ये भी बात बोला कि उन्होंने सिद्ध किया कि ये रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में लिखा हुआ, बहुत सारे प्रोफेसर इस बात को लिखे हुए हैं। तो क्या हुआ कि ये सोशल मीडिया जैसे आप लोग क्या किए, उनका आलोचना करने लगे, हम इसको समझा रहे माध्यम से कि सोशल मीडिया का क्या यूज होता है। तो अभी ये हाल ही में चर्चा चल रही थी, मैं उनका एक ले लिया कि एक एग्जांपल में, तो क्या हुआ उन्होंने 18 में बोल दिया, लेकिन आज 2022 में क्या हुआ कि उन्होंने इसी उनके सोशल मीडिया पर वायरल होगा कि हमारे हिंदू धर्म में कोई भाई बहन और वायरल कर दिया। सही बात है, ये सेंटिमेंटल रिलीजियस का मैटर है, उन्होंने कोई वायरल कर दिया कि हमारे सीता मतलब हमारे धर्म पे कुछ गलत बोल रहे हैं, तो ये क्या है, कैसे वायरल किया, ट्विटर के द्वारा किया। तो गवर्नमेंट पे क्या क्या कर सकते हैं कि आप हावी कर सकते हैं गवर्नमेंट पे, आप पॉलिसी बनाने के लिए ट्विटर सोशल मीडिया यूज कर सकते, फेसबुक पे आप उनको ट्विटर पे
टेक्स्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया भी गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए बहुत कुछ होता है। जैसे अभी दिव्या कीर्ति सर को आना पड़ गया, ट्विटर की वजह से कोई कमेंट कर दिया था, कोई नेता थे, उनको आके बताना पड़ा कि मैं सीता जी की जो ये राम जी की जो चरित्र को दर्शाया हूँ, क्यों दर्शाया हूँ और कहाँ से किस किताब से पढ़ा। उनको आए, उन्होंने सॉरी भी बोला और यहाँ तक कि उस साइन मतलब किताब में लिखा हुआ था कि ऐसा ऐसा लिखा था, वो पढ़ के बोल दिए थे। तो इसी तरीके क्या समझ गया आप, सोशल मीडिया भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है जिसकी वजह से प्रेशर हम लोग गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में आप जाइए, न्यूज़पेपर में बोल सकते हैं, आप मीडिया का सहारा ले सकते हैं, इस तरह आप जाके प्रेशर ग्रुप पे प्रेशर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि प्रेशर ग्रुप पे कैसे बना सकते हैं। इसके चार पांच मेथड होते हैं, लॉबिंग ग्रुप, प्रोपेगेंडा ग्रुप, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, फिर मीडिया होते हैं जो टीवी में चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब मान लीजिए कि आप कोई मान लीजिए लॉबिंग करें गवर्नमेंट पे सेमिनार में बताएं कि मेरी बात मान लीजिए, जब नहीं मानते हैं तो क्या होता है कि एक निगेटिव एक बात को मनाने की बात आती है। जैसे स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक अपना लेते हैं, गाड़ी फूकने लगते हैं, ये सब करने लगते हैं, ये भी एक मेथड है, लेकिन क्या होता है ये गलत करता है, ये लोगों को ही नुकसान करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या के कितने मेथड होते हैं, कैसे इसके फीचर क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप के। आज हम अब बेसिकली बात करेंगे कि प्रेशर ग्रुप कैसे कितने होते हैं, प्रेशर ग्रुप मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्रेशर ग्रुप बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, बिजनेस ग्रुप हो सकता है, रिलीजियस प्रेशर और रिलीजियस ग्रुप। मान लो अभी विकास देवी कीर्ति सर जो राम भगवान राम पे कमेंट कर दिए थे, तो क्या हुआ कोई सेंटिमेंटल था तो कोई रिलीजियस कमेंट कर दिए ट्विटर पे, कोई महान व्यक्ति थे उन्होंने ट्विटर पे उस वीडियो को वायरल कर दिया, तो वो भी अब क्या हुआ उन्होंने प्रेशर उन पे बना दिया कि अब चलो आप सॉरी बोलो बोलना पड़ गया, और उन्होंने साथ में पेश किया कि हम पढ़ के बोला हूं, और वो किससे पढ़े थे डायरेक्ट मतलब जो रामायण से पढ़े थे या जो बहुत सारे बुक जो धार्मिक होते हैं उनसे पढ़े के बोले थे, तो उनको आगे बोलना पड़ गया। तो यही पावर होती है प्रेशर ग्रुप पे। तो क्या होगा कि क्या हो सकते हैं रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं, रिलीजियस में कोई जब प्रॉब्लम हो गया, धर्म वादा किया कि हम मंदिर बनवाएंगे, नहीं बनवाया तो रिलीजियस कोई जो मान लीजिए हिंदू लोगों को बोला था, तो हिंदू जो अपना रिलीजियस के लिए अपना ग्रुप बनाएंगे जो साधु संत होंगे वो गवर्नमेंट प्रेशर डालेंगे, आपको वादा किए कि मंदिर बनाने के लिए आप मंदिर क्यों नहीं बनाए, तो रिलीजियस ग्रुप भी हो जा सकते हैं। तो आइए और कर्म वाइज बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इसके ग्रुप हो सकते हैं तो हम शॉर्ट में बात करेंगे। एक बिजनेस ग्रुप होते हैं, बिजनेस ग्रुप को आप स्पेशली क्या कर सकते हैं, देखिए बिजनेस ग्रुप को आप स्पेशली ये कर सकते हैं कि जैसे एक बिजनेस ग्रुप में ये बिजनेस ग्रुप वो होते हैं जो मान लीजिए कि गवर्नमेंट का आर्किटेक्ट घटा देंगे, आप आराम से आप बेचो कंपनी को, आपको सब्सिडी दे देंगे। तो बिजनेस ग्रुप में जैसे एक हम एग्जाम्पल देते हैं, बिजनेस ग्रुप में फॉर्म हुआ था गवर्नमेंट को अपना मान बात मनवाने के लिए, FICCI, FICCI मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स कॉमर्स इंडस्ट्री, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बात कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह प्रेशर ग्रुप बिजनेस ग्रुप भी हो सकते हैं, एग्री मतलब जो एग्रीकल्चर से होते हैं जिसको एग्रीरियन ग्रुप कहते हैं, एग्रीकल्चर के होते हैं जैसे ऑल इंडिया किसान हो सकते हैं, भारतीय यूनियन किसान हो सकते हैं, भारतीय किसान यूनियन हो सकते हैं, जो स्पेशली किसान गवर्नमेंट से दुखी है पॉलिसी से, उनकी बात गवर्नमेंट नहीं मानी वादा की थी, तो वो अपना एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। और आज भारत में एक ग्रुप भी है ऑल इंडिया किसान, और एक दूसरा ग्रुप है भारतीय किसान यूनियन, जो ये दोनों ग्रुप कौन है फार्मर लॉ को वापस करने के लिए बहुत कोशिश किए तो हो भी गया। ठीक है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम भी लोग स्टूडेंट है तो हम भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आइडियोलॉजी बेस पे होता है कि बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट यूनियन ऑफ आसाम हो सकते हैं, स्टूडेंट यूनियन ऑफ पंजाब हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट को अपनी बात मनाने के लिए फॉर्म होते हैं। तो इस तरह की बहुत रिलीजियस मैटर का एक ऑर्गेनाइजेशन आप ले लीजिए, प्रेशर ग्रुप आप ले लीजिए, हो सकता है जैसे RSS आ जाता है, हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, तो एक रिलीजियस मैटर पे भी होता है, कास्ट पे भी हो सकते हैं, लैंग्वेज पे, जैसे लैंग्वेज पे भी हो सकते हैं प्रेशर ग्रुप, जैसे गवर्नमेंट इंडिया को हिंदी लैंग्वेज को क्या कर रही थी, नेशनल लैंग्वेज बनाने लगी, तो उसी में बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं।
जैसे तमिल प्रेशर ग्रुप आगे लैंग्वेज पे जो विरोध करने लगे कि नहीं हिंदी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, तो लैंग्वेज पे भी प्रेशर ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं जिससे आप दुखी हो रहे हैं उस पे हो सकते हैं। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि क्या कितने टाइप के ग्रुप प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं। बहुत सारे एग्रीगेशन ग्रुप का रिलीजियस प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं, जो धर्म मान लीजिए कोई धर्म है वो धर्म का कोई आलोचना कर दिया तो क्या होगा कि वो प्रेशर करेंगे गवर्नमेंट को कि इसको सुधार करो मंदिर बनवाओ। तो रिलीजियस ग्रुप होता है, कास्ट का भी हो सकता है, जैसे यहाँ मान लो कोई पंडित है हिंदू है पंडित है वो करेंगे कि अपने वेलफेयर के लिए अपना पूरे कास्ट के वेलफेयर के लिए समुदाय की कोई पॉलिसी बनाने के लिए अपने कास्ट के हिसाब से वो एक प्रेशर ग्रुप बना दें गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के उनके वेलफेयर के लिए। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है और प्रेशर ग्रुप का फायदा क्या है। तो आप हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ आया होगा, और नहीं समझ आएगा तो प्रेशर ग्रुप को भी भूलिएगा, तो मम्मी का रोल प्ले याद कर लीजिएगा घर में, जो मम्मी होती है मम्मी हमेशा पापा को प्रेशर डालते हैं मेरे बेटे को पैसा दे दो, मेरे पापा बेटे को स्कूटी खरीद दो, तो एक प्रेशर है पापा के पास जेब में पैसा है पावर है कि वो जब चाहेंगे पैसा दे तुम्हारे खंडवा देगा, गवर्नमेंट है। उसी तरह प्रेशर ग्रुप होती है, जब आप कोई मम्मी को कुछ चाहिए परेशान होती है तो प्रेशर पापा डालने लगती है कि अब चाय नहीं दूंगी आपको परेशान कर दूंगी, यही बात है, यही बेसिकली प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई वीडियो आप चाहते हैं या कुछ कमी दिखी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को कुछ फायदा मिला हो तो। और जय हिंद जय भारत दोस्तों।